के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक पखवाड़े से लगातार बढ़ रही गंगा की रफ्तार थमी, बाढ़ पीड़ितों ने ली राहत की सांस, दुश्वारियां यथावत। काशी में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया हरितालिका तीज पर्व, माता मंगला गौरी के दरबार में व्रती महिलाओं ने लगाई हाजिरी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में टॉपर छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जेएसयू में विभिन्न खेलों का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे घटाव शुरू हो चुका है, पर घटाव के साथ ही जगह जगह दुश्वारियां भी अपने पैर पसार रही हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद अब पानी का वेग भी थमने लगा है। मंगलवार की शाम से धीमी गति के साथ पानी कम तो होने लगा, लेकिन गंगा का जलस्तर नए इलाकों में बाढ़ की दुश्वारियां छोड़ता जा रहा है। पानी का बढ़ाव के साथ राहत और बचाव कार्य भी जारी है, तो दूसरी ओर विश्वनाथ कॉरिडोर के निचले इलाकों में पानी भरने के बाद वहां लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। गंगा का बढ़ाव जारी रहने से शवदाह भी अप्रभावित हो चुका है। बता दें कि गंगा का जलस्तर मंगलवार की सुबह 10 बजे के बाद से थम गया है। सुबह 10 बजे गंगा का राजघाट पर मापा गया आंकड़ा 72.14 मीटर दर्ज किया गया था, जो शाम 4 बजे तक बना रहा। जिले में गंगा की चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरा बिंदु 71.262 मीटर है। वहीं अब तक 73.901 मीटर सर्वाधिक दर्ज किया गया है। गंगा का जलस्तर इस समय स्थिर हो चुका है। पखवाड़े भर धड़कने बढ़ाने और 125 से अधिक गांव मोहल्लों को जला जल कर जाने के बाद गंगाधर ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाने के बाद विश्राम ले लिया। मंगलवार रात 10 बजे गंगा के जलस्तर में वृद्धि थमी और बाढ़ का पानी 72.14 सेंटीमीटर पर स्थिर हो गया। इससे तटवर्ती लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वैसे फाफामऊ व प्रयागराज में 2 दिन पहले गंगा यमुना का जलस्तर स्थिर होने के बाद से ही इसकी संभावना जताई जा रही थी। वास्तव में गंगा के जलस्तर में लगभग 2 सप्ताह बाद 15 अगस्त से बढ़ाव शुरू हुआ। अगले ही दिन सुबह से उफान इस तरह आया कि सिर्फ 12 घंटे में पानी 1.56 मीटर बढ़ा और 4 दिन में 18 अगस्त को वर्णा तटीय इलाके पलट प्रवाह से जलाजल हो गए। 2 दिन बढ़ाव के बाद 21 अगस्त को 69.77 सेंटीमीटर पर जलस्तर वृद्धि थमी और कमी होने लगी, लेकिन 23 की शाम 69.08 तक आकर स्थिर हो गई। अभी लोग राहत की सांस ले भी न पाए थे कि 24 की रात से ही 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ाव शुरू हुआ, तो इसमें वृद्धि होती गई। रफ्तार बढ़ते हुए जलस्तर 25 अगस्त की दोपहर 2 बजे चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर लांग गया, तो 26 की रात 11 बजे खतरे का निशान 71.262 मीटर पार कर गया। इसके बाद भी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि जारी रही। इससे ज्ञान प्रवाह नाले से होते शहर के दक्षिणी इलाके की कॉलोनियों में 4 फीट तक पानी भर गया। वर्णा में पलट प्रवाह के चलते आसपास के मोहल्ले जलाजल हो उठे। रविवार को इसमें कमी आई और यह 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा पर आ गया था। बहरहाल बाढ़ में ठहराव के बाद भी लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। वर्णा में आए बाढ़ के कारण बगवा नाला, कुलगंज, शैलपुत्री, नक्कीघाट आदि क्षेत्रों में समस्याएं मुंह बांकर खड़ी हैं। ऐसे में सामाजिक संगठन के साथ ही शासन प्रशासन की ओर से लोगों की मदद के लिए हाथ उठे हैं। बाढ़ में फंसे लोग अब अपने घरों से निकलकर बाढ़ राहत शिविर में शरण ले रहे हैं, जिनका रहना, खाना सहित अन्य चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में आज 80 स्थित गोयनका विद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में जिलाधिकारी और कमिश्नर पहुंचे। यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही यहां पर रुके बाढ़ से ग्रसित लोगों से बातचीत की। इसके बाद यहां की व्यवस्था देख रहे लोगों को निर्देशित किया कि शिविर में अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। वाराणसी में बाढ़ को लेकर स्थिति जो है वो काफ़ी अब नियंत्रण में आ गई है। जो पानी है रात को 10 बजे से स्टैग्नेट हो गया है और अब आज दोपहर के बाद से पानी घटना शुरू हो जाएगा। हमारे वाराणसी में 19 कैंप चल रहे हैं, जिसमें करीब 3800 लोग रह रहे हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएँ यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। अभी यहाँ भोजन वितरण हुआ है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ देखने के लिए सभी अधिकारी हम लोग भ्रमणशील रहते हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ पे व्यवस्थाएं देखने के लिए आए हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छी यहाँ लोगों का सहयोग भी है
और काफ़ी अच्छा जो प्रशासनिक जितने भी विभागों के लोग लगे हैं उनका भी कार्य है और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी यहाँ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनको देखने में सामने नहीं आई। इसी प्रकार से हमारी कोशिश है कि कहीं भी आवश्यकता जिस भी चीज़ की हो वो तत्काल वहाँ पहुँचाई जाए। जनप्रतिनिधिगण भी सारी जगह घूम घूम के हमारी ड्राई राशन किट का वितरण कर रहे हैं, अधिकारी भी ऐसे घरों में वितरण कर रहे हैं जो घर के लोग बाहर निकल के नहीं आ पाए हैं। कैंप में जो लोग रह रहे हैं इनको भी घर जाते टाइम ड्राई राशन किट वितरण कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जितनी इनकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही है। मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर कोई सूचना नहीं है। वाराणसी में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम आज प्रस्तावित नहीं है, तब भविष्य में कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो जानकारी दी जाएगी। काशी में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया हरितालिका तीज व्रत। माता मंगला गौरी के दरबार में व्रती महिलाओं ने हाजिरी लगाई। पति की मंगल कामना के लिए महिलाओं ने निर्जला तीज व्रत रखा। ऐसे में पंचगंगा घाट के पास स्थित माता मंगला गौरी मंदिर में माता पार्वती के इस स्वरूप के दर्शन के लिए सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ हुई। यहां माता के दरबार में दूर दूर से महिलाएं आती हैं। महिलाएं मंदिर में पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। हरितालिका तीज पर माता मंगला मंदिर में आस्थावान महिलाएं और कन्याओं की भारी भीड़ उमड़ी, जो कतारबद्ध अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। मंदिर के पुजारी गुलशन उपाध्याय ने बताया कि कुंवारी कन्याएं यहां मनचाहा वर पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए आज तीज के दिन दर्शन करती हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार में महिलाएं निर्जला व्रत होने के बाद भी भीषण गर्मी में खड़ी होकर माँ की एक झलक पाने का इंतजार कर रही हैं। इस पर्व को लेकर पुराणों में उल्लेख है कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। बताया जाता है कि जब माता पार्वती को जानकारी हुई कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाना चाह रहे हैं तो वह व्यथित हो गई। इसके बाद उनकी सहेलियों ने उनका हरण कर लिया और काफी खोजबीन के बाद जब वह अपने पिता को मिली तब उन्होंने उनका विवाह शिव के साथ करने को कहा, क्योंकि जब उनकी सहेलियों ने उनका हरण किया उस दौरान वह एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में ही लीन थी। इस वजह से इस पर्व को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। नैक एक्रेडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। एडमिशन ओपन फॉर बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, बीम्यूज, बीटीसी, डीएलएड and B.Ed, B.P.Ed, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm, and M.A, M.Comm and M.F.A. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity. डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1,00,000 से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड वाराणसी, हेल्पलाइन नंबर 0542 231015 और कॉल
8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। दो गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में टॉपर छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 94% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे ने प्रबंधक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाशा ध्यानानंद ने कहा कि छात्र छात्राओं को नवीनतम ज्ञान तथा लेखन की अद्भुत क्षमता विकसित करनी होगी और नियमित अध्ययन एवं जानने के प्रति उत्सुकता बढ़ाकर भविष्य के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आज के विद्यार्थियों का होगा, तब देश अपनी आजादी के शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। ऐसे में आज का युवा अपने ज्ञान विज्ञान में भारत के विश्व गुरु बनने में समर्थ साबित होगा। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों सहित प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए के चौबे, रचना अग्रवाल, शिक्षक गण डी लाल, अतुल कुमार, मनोहर लाल, जयवर्धन सिंह, वरुण पांडे, मंजुलता शर्मा इत्यादि सभी शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया। सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी संप्रेषित करता हूँ। यहाँ पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। ऐसा समारोह विद्यार्थियों में ऊर्जा का संचार करता है। जय हिंद, जय। पिछले दिनों सत्र 2021 और 22 का क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया था, उन्हीं में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जो बच्चे 92% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं, उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और हमारा प्रबंध तंत्र एक ऐसी व्यवस्था बना के रखा है जिसके तहत 95% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों को हम लोग 100% शुल्क मुक्ति का सुविधा देते हैं। इसके अलावा 90% से 95% कोई विद्यार्थी अंक प्राप्त किया है तो उसके लिए 50% का है, और उससे भी नीचे है अगर 85% से 90% का विद्यार्थी है तो उसको हम लोग 25% फ्री में कंसेशन देते हैं। इस तरह के आयोजन से उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। एबीवीपी द्वारा मदरसा दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम में सदस्यता अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलाए जा रहे सदस्य अभियान के क्रम में आज मंगलवार को काशी महानगर अंतर्गत स्थित मदरसा दयातुल इस्लाम चिरागे उलूम रसूलपुरा परिसर में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सैकड़ों मुस्लिम छात्र छात्राओं ने अभाविप के सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव गोपाल सेठ व मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री शुभम कुमार सेठ उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता ने उपस्थित छात्र छात्राओं को परिषद के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील एकता। आज विद्यार्थी परिषद न केवल भारत का अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमारा काम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी राष्ट्रीयता की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अवसर पर सदस्यता ग्रहण करने वाले छात्र अमन खान ने कहा कि सभी का सौभाग्य है कि हम सभी आज परिषद परिवार से जुड़कर गौरव महसूस कर रहे हैं। संगठन ने हम सभी पर जो विश्वास जताया है, हम सभी उसकी निष्ठा के साथ पालन करेंगे और परिषद कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे व संगठन के विचारों को आत्मसात करते हुए जन जन तक उसका विस्तार करेंगे। इस सदस्यता अभियान के दौरान साहिल खान, शाहरुख खान, फरहान खान, हैदर, नवाज खान, हसान, सानिया, शालू, सबाना, फरजाना, कैफसा, रक्सा, अरिबा, फातिमा आदि छात्र उपस्थित रहे।
देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की बात करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमें गर्व है कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस नाते सबका साथ सबका विश्वास और सबके विकास को सोचने वाला छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। और अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले हैं इंटर कॉलेज में। इसी के निमित्त आज हमारा यहाँ मदरसे में आना हुआ है और मदरसे में छात्र और छात्राएं यहाँ पर काफ़ी संख्या में अमन जी के साथ सदस्यता लेने वाले हैं। और आप यहाँ के मैनेजर हैं इम्तियाज जी और प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब रिजवान साहब यहाँ के मैनेजर हैं। आपके साथ आपके नेतृत्व में भी काफ़ी सहयोग यहाँ मिला। मैं सभी का हृदय से आभार करता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ने वाले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति को सीखने वाले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो कार्यशैली है उनसे ये प्रभावित हुए हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक प्रमुख जिम्मेदारियों के साथ इनको जुड़ने जा रहे हैं। शुभम जी, इससे पहले मदरसा काफ़ी दूरी बनाए रखती थी MUPC से, क्योंकि इस संगठन को लेकर ये कहा जाता है कि भाजपा की संगठन है और विद्यार्थियों के लिए काम करती है, तो अब कैसे इस संगठन को विस्तार कर रहे हैं और इनसे जुड़ रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना हुआ है और जो भी हमारे मैनुफैक्टो हैं उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी दलगत राजनीति से नहीं जुड़ा है। ये जरूर हो सकता है कि हमारे विचार वो मानने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी पार्टी से जुड़ा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और एक छात्र संगठन होने के नाते हमारी प्राथमिकता होती है कि समाज के सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों को लेकर के हम चलें। ये कहा जाए कि विवेकानंद जी की विचारधारा अब मदरसों में भी देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी के जो भी सपनों के भारत थे वो सबके लिए थे। जो भारत का है वो हमारा है। समिति एक ऐसा संगठन है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि छात्र और छात्राओं के लिए। इसमें ना किसी का पार्टी का रोल है, ना किसी सदस्य का रोल है, ये सबके भले के लिए। इससे पहले खासकर मदरसों के लोग इससे दूरी बना कर रखते थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग? नहीं, मदरसे से दूरी बना के नहीं रखे थे, वो अपनी अपनी विचार थी, लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनको हमने ABP से रिलेटिव कुछ बातें बताई जो सबके छह संघ में भले वाले हैं, जो छात्र और छात्राओं के लिए जितने भी परेशानी दिक्कत जो भी है उसके लिए पढ़ाई के दौर में आज ABP को संगठन को लेते हुए हम लोग इसको फैसले को ये किए कि नहीं, हम लोग भी ABP ज्वाइन करेंगे, सदस्यता लेंगे और अपने साथ जितने भी भाई बहन हैं सबको लेके जोड़ेंगे। कितने लोगों को सदस्य बना रहे हैं अभी यहाँ पर? यहाँ पे अभी हम सैकड़ों लोगों को बना रहे हैं। माँ गंगा की दैनिक संध्या आरती को लेकर प्रशासनिक हस्तक्षेप से आरती समितियों के बीच रोष व्याप्त है। हस्तक्षेप पर रोक लगाने की PM व CM से मांग की गई है। काशी से जुड़ी धार्मिक संस्थाओं और संगठन ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती को लेकर प्रशासनिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से मांग की है। कहा है कि वाराणसी में माँ गंगा आरती पौराणिक काल से चली आ रही है, इससे करोड़ों लोग जुड़े हैं। भारतीय जनमानस की आस्था माँ गंगा और उनकी नियमित होने वाली संध्या आरती से जुड़ी है। यहाँ की माँ गंगा आरती की भव्यता को देखते हुए भारत सरकार ने पर्यटन मानचित्र पर इसे अतुल्य भारत के रूप में जोड़ा है, लेकिन हाल के दिनों में परंपरागत आरती पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन के स्तर से लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सनातनियों की आस्था पर कुठारघात है। इस संदर्भ में सोमवार को लोहरापेट क्षेत्र में एक बैठक हुई, जिसमें गंगा में आई बाढ़ के मद्देनजर परंपरागत गंगा आरती को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लगाने और सांकेतिक गंगा आरती करने के आदेश को विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अव्यवहारिक करार दिया। कहा कि लाखों लोग कुंभ मेले में आते हैं, सावन माह में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। देव दीपावली पर लाखों की भीड़ घाट पर इकट्ठा होती है, जिसकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन हमेशा संस्थाओं का सहयोग लेकर करती रही है। बनारस में गंगा आरती और अन्य धार्मिक परंपरा को अक्षुण बनाए रखना जितना काशी की जनता और संस्थाओं का दायित्व है, उतना ही जिला प्रशासन का। हमेशा से संस्थाओं ने जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया है। कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संस्थाएं प्रशासन का हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार हैं, मगर किसी भी धार्मिक परंपरा पर कोई रोक न लगाया जाए। भदेनी क्षेत्र स्थित लोलार कुंड पर संतान प्राप्ति व उनकी मंगल कामना हेतु स्नान किया जाता है। लोलार छठ स्नान के मौके पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। भदेनी क्षेत्र स्थित लोलार कुंड पर संतान प्राप्ति व उनकी मंगल कामना के लिए स्नान किया जाता है।
जो लोलार छठ स्नान के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्नान के लिए वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लोगों की होने वाली इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंड से लेकर अस्सी चौराहे तथा सोनारपुरा चौराहे तक बांस बल्लियों की बैरिकेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार कुंड में पानी ज़्यादा हो जाने के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, परंतु उसको भी मशीन लगाकर पानी को निकालने का कार्य चल रहा है और जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पर वर्ष पर्यंत स्नान करने लोग आते रहते हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि इस पौराणिक कुंड में स्नान के बाद यदि किसी निसंतान दंपति को बच्चा होता है तो उस बच्चे को लाकर दंपति उसका मुंडन करवाते हैं। प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था करके उसका जो है महिला को बढ़िया ढंग से किया जाए। पानी भी है, सब कुछ है, समस्या है, पूरा समस्या भरा हुआ है। पानी पहले पानी साफ हो उसका व्यवस्था हो और उसके बाद भी मेले को ढंग से अपना काम हो, बाबा का दर्शन हो, पूजा हो, माल बच्चे संकल्प करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, बोझ भरवाएंगे, तभी उसका पूरा होगा। यहाँ लोहावत कुंड का एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो बाबा मान लेते हैं, जो कि लाखों लोग का भीड़ होता है। लाखों दूर दूर से लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, अपने संतान वापसी के लिए और कुछ रोग भी जैसे रहते हैं उनको ठीक करने के लिए भी स्नान करते हैं यहाँ पे। इधर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, हर तरह के संभव भीड़ जो लाखों की आती है उसको सुविधाजनक स्नान करा सके और हर तरह का सुविधा दे और निकलने बाहर निकलने और आने जाने की भी सुविधा बनाई जा रही है, जो कि इस बार गंगा जी बढ़ जाने की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तब भी यहाँ के प्रशासन पूरी तरह से लग के हर तरह का व्यवस्था बना रही है और होगा भी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर BHU विश्वविद्यालय खेल क्रीड़ा परिषद द्वारा विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुबह हॉकी प्रतियोगिता के साथ किया गया। शाम को खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्विमिंग की 9th ओपन BHU तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तैराकी की इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभय कुमार ठाकुर, वित्त अधिकारी BHU तथा विशिष्ट अतिथि काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अहमद फजल महतो थे। तैराकी की प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर कविता वर्मा सहायक निदेशक तैराकी और प्रियंका यादव सहायक निदेशक तैराकी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर DC राय, महासचिव प्रोफेसर अभिमन्यू सिंह सभी खेलों के आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद से डॉक्टर खुर्शीद अहमद सचिव और सहायक निदेशक एथलेटिक्स, डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी सचिव और सहायक निदेशक बास्केटबॉल, डॉक्टर राजू सिंह सहायक निदेशक बैडमिंटन, रोबिन कुमार सिंह सहायक निदेशक वॉलीबॉल, डॉक्टर वैभव राय सहायक निदेशक क्रिकेट भी मौजूद थे। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे था जो 29 और 30 तारीख को BHU के संकुल में इसका जो है आयोजन हुआ था। ये स्विमिंग प्रतियोगिता थी, इसमें लगभग 125 बच्चों ने इसमें भाग लिया है और आज इसका समापन हुआ है और इस प्रोग्राम में एजुकेशन को बुलाया गया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी प्लेयर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे इसी तरह प्रोग्राम होता रहे और इस संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया, धन्यवाद। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। लाइव सच के साथ।